देखिए गरीबी दिवाली का त्योहार सबके लिए खुशियां और रोशनी लेकर आता है। पिछली बार की तरह इस बार भी दिवाली के त्योहार को बॉलीवुड में जोरों शोरों से मनाने की प्लानिंग चल रही है। और जो कुछ मैरिड बॉलीवुड कपल्स अपनी पहली दिवाली साथ में मनाने वाले हैं, तो वहीं कुछ कपल्स अपने बच्चों के साथ पहली बार दिवाली मनाएंगे। वो अमीर है। बॉलीवुड की बात करें तो सेलिब्रिटीज ने भी दिवाली पार्टी की शुरुआत पहले से ही कर दी है। पर जात रहने और वाला बताया है। जा रहा है कि मनीष मल्होत्रा के घर में पार्टी की शुरुआत हुई, जहां कैटरीना कैफ से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान भी शामिल हुए हैं। तो मेरा बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपने बच्चों के साथ इस बार पहली दिवाली मनाएंगे, जिसमें की रणवीर आलिया की बेटी राहा आगे उठ गया है। सोनम आनंद का बेटा उठ गया है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, मेरी मानना है। पहली दिवाली मनाएंगी। वहीं पर शादी के 6 साल बाद बिपाशा बासु और पति करण सिंह ग्रोवर ने पिछले साल सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी बेटी के जन्म की जानकारी, और इस साल हम बड़े चेहरे हैं ये मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी दलितों के हित में इतना खराब काम किए हैं जो सदियों में नहीं दशकों में नहीं था। आज चाहे शराबबंदी का मामला हो, तालीबंदी का मामला हो, बालू नीति का मामला हो, और आज सदन में शेड्यूल कास्ट को जो बेइज्जत किया है और जो अपने कथित जातीय गन्ना का हिसाब जो लगाया है, जिसमें भरमाया है अपना डाटा दे करके, और फिर किस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो बात उन्होंने की है, इन सारी बातों को बिहार की जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से हम रखना चाह रहे हैं और रख रहे हैं। और इसी बात को बढ़ाना कोई चीज नहीं, वही तो कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन बताइए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? 5% है, 7% है, तो आप 50% कर दीजिए, इससे क्या फायदा होने वाला है? हमारे हम तो यही तो कह रहे थे कि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि समीक्षा कीजिए, आप भी समीक्षा कीजिए कि आपके यहाँ कितना बैकलॉग है, बैकलॉग पूरा करने के लिए आपने क्या किया, क्या वजह हो सकती है इस तरह के स्टेट। सर नीतीश जी को कुछ खिलाया जा रहा है, आप बोले हैं नीतीश जी को कुछ अब सबके सामने